मनेंद्रगढ़ में बारिश में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई, जहां पुल से बच्चे पानी में छलांग लगा रहे हैं। छलांग लगाते वक्त बाल बाल बचा युवक अहमद कॉलोनी के पुल पर लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर है मनेंद्रगढ़ से, बारिश में भारी लापरवाही और इस दौरान पुल से बच्चे पानी में छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए, जरा सी लापरवाही अगर यहां पर होती है तो जान पर भी बनाएगी। हालांकि जो बच्चे हैं ये तैरना जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर पानी का बहाव तेज हो जाता है तो बहने का भी डर बना रहता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि दो बच्चे पानी में छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हादसों को निमंत्रण देती हुई ये तस्वीरें हैं। और वाकई में हैरान करने वाला मामला ये भी है कि यहां पर किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं है, क्योंकि पुल के बिल्कुल करीब से पानी बह रहा है, उसके बावजूद यहां पर कोई रोक टोक नहीं की जा रही है, ना ही यहां पर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध लगाया गया है। बारिश में, भारी बारिश के बीच में परेशानियां लगातार, क्योंकि आपने पहले भी देखा है कुछ हादसे ऐसे सामने आए हैं जिसमें लोगों की जान भी चली गई है, कई लोग बह गए हैं, कई लोग बड़ी मुश्किल के बाद बचाए जा सके हैं। और अब बात कोरबा से बड़ी खबर की है, जहां पर बारिश के पानी में सड़क बह गई है। कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। ढोडा तराई जामपाली गांव का संपर्क टूटा, छातापाठ लबेद सुपा तराई का संपर्क टूटा। पानी के बहाव से कटती चली गई सड़क और इस दौरान आप देखेंगे कि पूरी सड़क ही बह गई है, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर जाना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है और ये बीच सड़क से पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए तस्वीरें, एक बार फिर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश के पानी में सड़क बह गई और इस दौरान लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। और अब कोरबा से एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसईसीएल के खदान में पानी भर गया। गेवरा खदान में घुसा बारिश का पानी, कई गाड़ियां और मशीनें पानी में ही डूब गए हैं। पानी के तेज बहाव में आ रहे मिट्टी पत्थर मलबे में दबकर कई डंपर और लोडर फंस गए हैं। खदान से पानी निकालने की अब कोशिश की जा रही है, लगातार पानी भरने का सिलसिला जारी है। और ये देखिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। एसईसीएल के खदान में बारिश का पानी भर गया है। गेवरा खदान में घुसा बारिश का पानी, कई गाड़ियां मशीनें पानी में डूब चुके हैं। पानी के तेज बहाव में मिट्टी पत्थर मलबे में दबकर कई डंपर और लोडर भी फंस चुके हैं। खदान से पानी निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, ऐसा लगेगा जैसे तबाही का मंजर नजर आ रहा है। दरअसल ये खदान है, गेवरा खदान, जहां पर बारिश का पानी भर चुका है और इस दौरान यहां पर जो वाहन थे वो पूरी तरीके से मलबे में दब चुके हैं। और अब बात बलरामपुर से बड़ी खबर की, जहां बाइक समेत नाले में युवक बह गया। जी हां, चंबोथी में नाला पार करते समय युवक बह गया है। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे युवक को निकाला। युवक और बाइक को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। नाले पर पुल नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ है। विजयनगर पुलिस चौकी क्षेत्र की घटना बताई गई है। बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां बलरामपुर में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से जिले से होकर गुजरने वाली सेंदूर नदी का जल स्तर बढ़ गया है। तो वहीं जिले से होकर बहने वाले नदी नाले भी उफान पर हैं। साथ ही हेयूर नदी भी उफान पर देखी जा रही है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और अब बात जसपुर के बगीचा विकास खंड के भेड़िया में घघिया नाले पर बना रपटा टूट गया, जिसकी वजह से भेड़िया गांव के कई मोहल्ले पूरी तरह पानी में डूब गए। गांव का मुख्य मार्ग से पूरी तरीके से संपर्क टूट चुका है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस
सरगुजा जिले में भी देर रात में झमाझम बारिश देखी गई है और यहां पर रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले से होकर गुजरने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। दैनिक कामकाज के लिए रोज घर से निकलने वालों को भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने सरगुजा जिले में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो देखिए हालात कैसे हो गए हैं, जहां पर पूरा बारिश का पानी तरबतर है और तेज बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। लोग जो कि घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और कई इलाके तो ऐसे हो चुके हैं जहां पर पूरा बारिश का पानी भर चुका है, लोगों के घरों तक पानी भर रहा है। और तेज़ बारिश की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा नुकसान की आशंका बताई जा रही है, क्योंकि वहां पर बारिश का पानी कई सड़कों को काट चुका है और इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है। तेज़ बारिश से हालात ऐसे हैं कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि लगातार बारिश होती रहेगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता महेंद्रगढ़ से सुजीत शाह, अंबिकापुर से श्रवण महंत और उमेश मौर्य बिलासपुर से जुड़ गए हैं। तो सीधे रुख करेंगे सबसे पहले तो महेंद्रगढ़ का, जहां पर सुजीत हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत, किस तरीके के हालात हैं? लगातार बारिश हो रही और बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार हो रहे हम जो जनकपुर की जो नदियां हैं वहां से चार बॉडी जो बरामद किए हैं। फिलहाल जो एक बॉडी है वो वन कर्मी का ही पहचान किया गया, वहीं तीन बॉडी जो उसके अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो नदियां हैं, नदियां पार करते समय ये चारों जो हैं उसके चपेट में आए होंगे, जिसकी बॉडी जो बरामद की गई है। वहीं आपको बता दूं मनेनगढ़ से अंबिकापुर मुख्य मार्ग जो है भूस्खलन हुआ है, लगातार यह तीसरी बार भूस्खलन हुआ है, जहां पे चट्टाने पत्थरे मिट्टी कटाव से काफी ज्यादा जो नुकसान हुआ है। पत्थरे सड़कों पे गिर गई है, कई पेड़े जो हैं वह टूट करके सड़कों में गिर गई है, आवाजाही बाधित है। लगातार जो है पानी, लगातार जो बारिश से नदियां जो हैं उफान पे हैं और लगातार जो स्कूली बच्चे भी हैं उसे पार करके जा रहे हैं, आ रहे हैं, इससे लगातार खतरा बना हुआ, जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्थानीय की बात करें, स्थानीय प्रशासन की बात करें तो इस ओर किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं दे रहे, ताकि जो पानी से जो पुल पार कर रहे हैं उसको लेकर जो खतरा बना रहता है, खासकर जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं उसको लेकर किसी प्रकार कोई जो है एहतियात जो है जिला प्रशासन नहीं अपना रहा है। लगातार भारी बारिश से भी जो पिछले 5 सालों से जो सूखा पड़ा था जिला, वह जो है इस बार सूखा तो खत्म हुआ लेकिन आम जो जनजीवन है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहीं आपको बता दूं कि मौसमी बीमारी को लेकर के अस्पतालों में लगातार मरीज पहुंच रहे हैं, खासकर महेंद्रगढ़ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र की बात करूं तो मध्य प्रदेश जो सटा हुआ क्षेत्र है, लगातार वहां के ग्रामीण जो है वह महेंद्रगढ़ जो है छत्तीसगढ़ प्रवेश करके आ रहे हैं और सर्दी खांसी डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों का यहाँ इलाज चल रहा है, जो गंभीर स्थिति पे जिला अस्पताल या फिर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। वहीं जो बरसात में सबसे ज्यादा जो मुसीबत का सामना करना पड़ता है ग्रामीण इलाकों में जहरीली जीव जंतु। सुजीत, सही कहा आपने कि बारिश के समय में ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अंबिकापुर से श्रवण महंत भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रवण, कैसे हालात हैं बारिश के दौरान? हम देख पा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है और इस दौरान तो भारी मशक्कत करनी पड़ती है लोगों को अपने जरूरी कामों से बाहर जाने के लिए। ग्रामीण इलाकों में ही पड़ता है, क्योंकि कई जो ऐसे गांव हैं जहां पुल पुलिया नहीं है, जिसके वजह से जो है पुल में जो नदी में बाढ़ आ जाने के बाद जो है एक तरफ ही लोग फंस जाते हैं। ऐसे ही एक अभी लगातार बारिश होने पर एक मामला सामने आया था जहां पर जो स्कूली छात्र थे वो फंस गए थे। और सरगुजा में जिस तरह से मौसम जो वैज्ञानिकों ने हाई अलर्ट जारी किया है उसके बाद से जो है लगातार बीती रात से बारिश शुरू हो गई थी, हालांकि अभी कुछ समय पहले ही बारिश बंद हुई है,
जिसके बाद से ही लोग जो है घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन लगातार बारिश होने से जो लोगों का जनजीवन है वो प्रभावित हो जा रहा है। और जो शहरी इलाके की बात की जाए तो सड़कों में तमाम जो है पानी भर जा रहे हैं, जिससे जो है आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं, हालांकि जहां जहां पर इस तरह के खतरा महसूस होते हैं वहां जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन ग्रामीण अगर इलाकों की बात की जाए तो वो काफी जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बारिश के महीने में जहां सड़क नहीं है और जहां पर पुल पुलिया नहीं है, ऐसे जगहों पर जो है जो बीमार पड़ने वाले लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और खाट और झलगी के भी वीडियो जो है सामने आते रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मौसम साफ हो गया है। अब देखना है कि आगे इसी तरीके से अगर बारिश होती रहती है तो और लोगों को परेशानी होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और बारिश के पानी की वजह से सबसे ज्यादा बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। बिलासपुर से खबर है, स्वाइन फ्लू से महिला की मौत का मामला सामने आया। कोरिया की महिला का इलाज चल रहा था, अपोलो हॉस्पिटल में महिला का इलाज जारी था, कोरिया जिला अस्पताल से रेफर किया गया था अपोलो हॉस्पिटल। 4 अगस्त को महिला को किया गया था बिलासपुर रेफर, 9 मरीजों के सैंपल में 7 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। 4 बिलासपुर के रहने वाले मरीज हैं, 2 मरीज मरवाही के हैं और 1 जांजगीर चांपा का रहने वाला बताया जा रहा है। खबर बिलासपुर से है, स्वाइन फ्लू से महिला की मौत हुई, कोरिया की महिला का चल रहा था इलाज। तो कोरिया की महिला का बिलासपुर में इलाज जारी था, आपको बता दें कि अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया गया था, 9 मरीज और सामने आए थे, 4 बिलासपुर के रहने वाले बताए गए हैं और बाकी अन्य अलग अलग जगहों के मरीज हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उमेश मौर्य जुड़े। उमेश, अब एक महिला की मौत हो गई है स्वाइन फ्लू की वजह से और उसके बाद देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए ये बड़ी चुनौतियां बन चुका है। निश्चित रूप से देखिए, अभी प्रदेश में डायरिया मलेरिया का प्रकोप जारी था कि अब इस बीच स्वाइन फ्लू की दस्तक हो गई और उससे स्वाइन फ्लू की दस्तक न केवल सिर्फ बल्कि उससे मौत का भी मामला निकलकर सामने आया है। कोरिया की रहने वाली है, 4 अगस्त को उसको गंभीर हालत में अपोलो अस्पताल रेफर किया गया था, जहां पर उसे वेंटिलेटर में ऑक्सीजन के सपोर्ट पर रखा गया था। आज उस महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। कहीं ना कहीं ये जो मामला है चिंताजनक विषय स्वास्थ्य विभाग के लिए, पूरे प्रदेश के लिए है कि जिस तरीके से डायरिया मलेरिया का प्रकोप अभी था ही कि अचानक से स्वाइन फ्लू का जो खतरा है वो तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर से 4 स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। इसके अलावा जो 2 मरीज हैं वो जीपीएम मरवाही के बताए जा रहे हैं, 1 जो है वो जांजगीर जिले का बताया जा रहा है। तो इस तरीके से देखें तो कुल 9 लोगों की जो है जांच में 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं पर 2 लोगों की जो रिपोर्ट है वो स्वाइन फ्लू निगेटिव आई है। तो कहीं ना कहीं जो खतरा है मलेरिया डायरिया के बाद अब स्वाइन फ्लू का जो खतरा है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि जो जांजगीर के जो मरीज यहां पर बिलासपुर रिफर किए गए थे उनको इलाज के लिए यहां पर रिफर किया गया था, उनका लांबा किया गया और बताया जा रहा है कि उन्हें जांजगीर वापस ले जाया गया है। हालांकि उनकी क्या स्थिति है अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि यहां पर जो सीएमएचओ है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि 1 मौत हुई है जो कोरिया की महिला थी, जो यहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, दूसरी जो महिला है जो गंभीर हालत में थी वो जांजगीर की बताई जा रही है, लेकिन उनको यहां से वो लामा पर दूसरे जगह दूसरी हॉस्पिटल में ले जाया गया परिजनों के द्वारा, लेकिन उसकी क्या स्थिति है अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं डायरिया और मलेरिया के बाद एक बड़ा खतरा जो है वो स्वाइन फ्लू का प्रदेश में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको मेरी तमाम जानकारी के लिए। तो डेंगू और मलेरिया के बाद स्वाइन फ्लू का खतरा प्रदेश में अब हो जारी है और एक महिला की मौत के बाद से हड़कंप मचा हुआ है स्वास्थ्य विभाग में। अब बात करेंगे बिलासपुर से एक और बड़ी खबर की, मायके जा रही महिला से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। मायके के लिए निकली महिला के साथ गैंगरेप हुआ, 3 लोगों ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने मस्तूरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यजविंद्र सिंह, अखिलेश सिंह, प्रमोद सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां पर मायके जा रही महिला से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मायके के लिए निकली थी महिला और उसके साथ ये घिनौनी वारदात हुई है। तीन लोगों ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने मस्तूरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। और रायपुर से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में होगा सुरक्षित ऑडिट। कोचिंग, स्कूल, अस्पताल, मॉल का ऑडिट होगा। प्रदेश के सिनेमा हॉल का भी सुरक्षा ऑडिट होगा। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे के बाद ये फैसला लिया गया है, जहां पर राज्य सरकार ने ऑडिट का आदेश भी जारी कर दिया है। जांच के लिए निकायों में गठित होगी ऑडिट कमेटी। एक महीने के भीतर कमेटी को रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा ऑडिट होगा। कोचिंग, स्कूल, अस्पताल, मॉल का ऑडिट किया जाएगा। प्रदेश के सिनेमा हॉल का भी सुरक्षा ऑडिट होगा। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे के बाद ये फैसला लिया गया है। कोंडागांव में एसिड से भरी मेटा डोर पलट गई। जहां रायपुर से जगदलपुर जा रही थी गाड़ी, हादसे में ड्राइवर कंडक्टर घायल हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। फरसगांव में नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर है कोंडागांव से, जहां पर एसिड से भरी मेटा डोर पलट गई। रायपुर से जगदलपुर जा रही थी गाड़ी और हादसे में ड्राइवर कंडक्टर घायल हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। फरसगांव में नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है। जांजगीर चांपा में हाथी के साथ खिलवाड़ करने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें ग्रामीण दल से बिछड़े एक हाथी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाथी रिहायशी इलाके में घूम रहा है और ग्रामीण हाथी को छेड़ रहे हैं। इस दौरान गुस्साया हाथी लोगों को दौड़ा भी रहा है, लेकिन लोग हाथी को छोड़ने से बाज नहीं आ रहे और वो हाथी का वीडियो भी बना रहे हैं। गौरतलब है कि वन विभाग लगातार हाथियों से दूर रहने के लिए मुनादी भी करा रहा है और इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो कि बाज नहीं आ रहे हैं और हाथी को छेड़ने की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो दल से बिछड़ा ये दंतैल हाथी है और संवाददाता कैलाश कश्यप जांजगीर से जुड़ गए हैं। कैलाश, अगर जरा सी भी लापरवाही हुई, अगर हाथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो लोगों की जान पर भी बना सकती है। कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं क्षेत्र में जब लोगों के ऊपर हाथी हमला कर देते हैं, उसके बावजूद कोई सीख नहीं, हाथी को छेड़ रहे हैं, जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। जी लगातार आपको बता दूं कि पिछले तीन दिन से हाथी जो है बिछड़ के बलौदा पंतोरा के जो कटरा जंगल है उसके आसपास बिछड़ के वो घूम रहे थे और इस बीच वन विभाग की लगातार दस्तक के बाद वो कटघोरा वन अंचल की ओर चले गए थे और कल ही तीन घटना ऐसे हुए जो हाथी की पटकने से मौत हो गई थी तीन महिला की कोरबा जिले क्षेत्र में। फिर पुनः वापस आज रात को वो हाथी जो है बलौदा के क्षेत्र में वापस आ गया और आज जो है वीडियो वायरल हुआ है और जिस तरह की लापरवाही ग्रामीणों द्वारा की जा रही है वो बहुत ही खतरनाक है। कभी भी ऐसा दुर्घटना घट सकती है, जान पर आफत बन सकती है, उसके बाद भी लापरवाह लोगों बाज नहीं आ रहे हैं। इस पर जो है डीएफओ द्वारा लेटर जारी कर गांव में मुनादी भी किया गया है। आसपास के जंगल एरिया में लोगों को हिदायत भी दी गई है कि हाथी को परेशान न करें, चूंकि वो जंगली जानवर है और कभी भी गुस्सा के लोगों पर हमला कर सकते हैं और ऐसे में दुर्घटना बड़ी हो सकती है। उसके बाद भी लोगों की लापरवाही जो है स्पष्ट दिख रहा है वीडियो में, किस तरह के छेड़ रहे हैं हाथी को और हाथी लगातार दौड़ा भी रहे। बरसात का सीजन है, ऐसे में कहीं स्लिप हो गया गाड़ी और गिर गया तो ऐसे भी जान आफत पे आ सकती है। उसके बाद भी लोग जो है बाज नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। रायपुर से खबर है, जहां कांग्रेस की संविधान यात्रा पर तंज कसा गया। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने साधा निशाना, कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति जग जाहिर है। कांग्रेसी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा की नकल कर संविधान यात्रा। बीजेपी देश हित में काम करने वाली पार्टी, 14 अगस्त को कांग्रेस निकालेगी संविधान यात्रा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां कांग्रेस की संविधान यात्रा पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने तंज कसा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति जग जाहिर हो चुकी है। ये एक परिवार के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाली राजनीतिक दल है। देश के हित में देश के लिए काम करने वाली कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये तिरंगा यात्रा पहले भी भारतीय जनता पार्टी निकालते रही है। हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा का आयोजन लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है और ये नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज देश में कांग्रेस पार्टी की प्रासंगिकता बची नहीं है।
और अब रायपुर से खबर, जहां साथ हो सकते हैं निकाय और पंचायत चुनाव, साथ हो सकते हैं निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, एक साथ चुनाव पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साहब, एक साथ चुनाव पर सरकार जनता से राय ले रही है, समिति कानून प्रावधान की जांच रिपोर्ट देगी और देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। तो देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है और आप देखिए कि जो निकाय और पंचायत चुनाव है वो एक साथ हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि पहले जनता से राय ली जाएगी और उसके बाद कोई फैसला होगा। बस्तर में आदिवासी दिवस पर धूम है, यहां हाथों में तख्ती लेकर आदिवासी सड़कों पर उतरे, झूमते नाचते आदिवासियों ने जल जंगल जमीन की मांग की और उन्होंने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं मिला। शासन प्रशासन से कि संविधान में जो आदिवासी समाज को, चाहे वो पेशा नियम की बात करें हमारे बस्तर क्षेत्र के लिए, चाहे पंचायती राज का अधिकार का बात करें, उसे आप जमीनी स्तर में पहुंचाइए, तब जाके समाज विकसित होगा। अन्यथा इस आजादी के 77 साल के बाद भी ये समाज क्यों पिछड़ा हुआ, इसमें कोई चिंता नहीं कर। तो वही कवर्धा में आदिवासी दिवस की धूम है और यहां कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम भी आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को भारत माता की और चलिए अब देखेंगे।